अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटन। ये मटन ब्रेड पाव है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाले और 2 छोटी इलायची डाली। अब मैं ये मटन इसमें शामिल करूँगी। ये फ्रीज किया हुआ है तो मैं वही फ्रीज वाला डाल रही हूँ। अब इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी। धीमी आंच पे रखूंगी तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट गोश्त जल जाने तक। मटन गल गया है। अब इसका पानी इतना हो, अब मैं इसका पानी सुखाऊंगी नहीं। आंच बंद करेंगे। ऑयल में एक दरमियानी प्याज मैंने डाली है। आंच तेज करेंगे। अब प्याज सुर्ख हो गया, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन डाली है। इस साइड बैंगन पक रहे हैं। अब प्याज नरम हो गए और उसको मैंने पानी का छींटा लगा के थोड़ा पका लिया। अब मैं इसमें मटन डालूंगी। ये 2 टमाटर हैं दरमियानी साइज के, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, जीरा पाउडर और नमक हस्ते ज़रूरत। अब मैंने अच्छी तरह भून लिया है, लेकिन थोड़ी देर ढक्कन लगाएंगे, 1-2 मिनट। हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी। अब मैंने 2 मिनट और अच्छी तरह भून लिया है। अब ये जो यखनी है ना, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। पांच मिनट और हल्की आंच पे पकाएंगे। अब 5 मिनट हो गए सालन रेडी। अब इसकी आंच हम बंद करेंगे। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मटन का सालन तैयार है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये चपाती के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।